Hello students, challenges morning. Welcome to challenges academy. In this session we will going to move forward with some important polymers ka preparation. In the last lecture humne kya dekha, kuch important polymers ka preparation humne detail mein discuss kiya. Usi ke sath hum log aage badhenge, another kuch important polymers ka preparation methods discuss karenge. To is lecture mein jo important polymer jo first hum log discuss karenge, iska preparation hum log dekhenge, uska name hai bakelite. एक इम्पोर्टेंट पॉलीमर है इस चैप्टर का. मेनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम्स में इस पॉलीमर के ऊपर क्वेश्चनिंग किया जाता है. एंड और एक चीज है इम्पोर्टेंट पॉलीमर इसलिए बिकॉज सबसे ओल्डेस्ट जो सिंथेटिक पॉलीमर है वो बेकेलाइट को बोला जाता है. एंड बेकेलाइट इज द पॉलीमर विच हैज डिफरेंट नेम. इसके बहुत सारे नेम्स है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दिस पॉलीमर आल्सो कॉल्ड एज फिनॉल फॉर्मेटेड पॉलीमर. एक कंडेंसेशन पॉलीमर है विच इज मेड अप ऑफ टू काइंड ऑफ मोनोमर्स जिसमें वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है. कंडेंसेशन पॉलीमर में कुछ कंपाउंड्स का लॉस होता है जैसे आपको पता है. तो सिमिलरली ये कंडेंसेशन पॉलीमर होने की वजह से इसमें वाटर जो मॉलिक्यूल है वो लॉस होता है. एंड टू काइंड ऑफ मोनोमर से इसका फॉर्मेशन होता है. वन इज फिनॉल एंड अदर इज फॉर्मेल्डिहाइड. ये दो मोनोमर से इस पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर भी कहा जाता है. Also called as phenoplast, इसको phenoplast polymer भी बोलते हैं, and phenolic resin भी बोला जाता है. ऐसे various इसके names हैं. ये जो बेकेलाइट का प्रिपरेशन जो मेथड है वो पहले मैं आपको थ्योरेटिकली बताऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे वो इसका प्रिपरेशन होता है, कैसे इसको प्रोड्यूस किया जाता है. उसके बाद हम लोग रिएक्शन की थ्रू हम लोग समझेंगे कैसे उसका प्रिपरेशन होता है. तो थ्योरेटिकली में सबसे पहले आपको समझना है कि ये दो काइंड ऑफ मोनोमर से बन रहा है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड. इन दोनों का जब कंडेंसेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ आइदर एसिड या बेस, आइदर एसिड या बेस दोनों में से कैसे कैटलिस्ट यूज करेंगे, फेनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का कंडेंसेशन होगा एंड उससे फेनॉल के डेरिवेटिव्स मिलेंगे. किस तरह के डेरिवेटिव्स मिलेंगे आपको बताएं. फेनॉल का जो OH ग्रुप होता है वो ऑर्थो पैराडायटिक ग्रुप होता है एंड जो फॉर्मेल्डिहाइड है जो रिएक्ट करता है फेनॉल के साथ वो भी ऑर्थो या पैरा ग्रुप को अटैच होता है. तो उस तरह हमें क्या मिलेगा, फेनॉल के डेरिवेटिव्स मिलेंगे जिनको बोला जाता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल और पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल, या फिर दोनों भी मिल सकते हैं. तो डेरिवेटिव जो मिलेंगे फेनॉल के पहले स्टेप में, उसके बाद सेकंड जो स्टेप रहेगा उसमें इन द प्रेजेंस ऑफ बेस जो डेरिवेटिव्स है जो मिले फर्स्ट स्टेप में हमें जो फेनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या बेस, सेकंड स्टेप में वो डेरिवेटिव्स है हमें लीनियर प्रोडक्ट मिलेगा, लीनियर पॉलीमर मिलेगा जिसको नोवोलैक बोला जाता है एंड उसको यूज करते हैं पैक्स में. ओके, एक लीनियर पॉलीमर मिलेगा जिसका नाम क्या होगा, नोवोलैक होगा. एंड उसके बाद थर्ड स्टेप में जो नोवोलैक पॉलीमर है उसमें जो एक्सेस अमाउंट ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड को जब ऐड करेंगे उससे क्रॉस लिंकिंग फॉर्म होगा बिटवीन द टू लीनियर पॉलीमर्स दैट इज नोवोलैक. ये जो बेकेलाइट क्रॉस लिंक पॉलीमर है और हमें पता है क्रॉस लिंक पॉलीमर कैसे बनता है, हमने क्लासिफिकेशन मेथड में देखा था ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर. क्रॉस लिंक जो पॉलीमर जिसको 3D नेटवर्क पॉलीमर भी बोला जाता है, दो लीनियर जो चेन होते हैं उन दोनों के बिटवीन क्रॉस लिंकिंग फॉर्म होता है जिससे क्रॉस लिंक पॉलीमर या 3 डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है. तो जैसे मैं बोला पहले स्टेप में क्या हो रहा है, फेनॉल फॉर्मेल्डिहाइड का कंडेंसेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस जिससे हमें क्या मिलेगा, फेनॉल के डेरिवेटिव्स मिलेंगे आइदर ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल एंड और या फिर पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल, या दोनों भी मिल सकते हैं. एंड सेकंड स्टेप में जो डेरिवेटिव्स हैं उस डेरिवेटिव से हमें क्लीनर प्रोडक्ट मिलेगा, पॉलीमर मिलेगा जब उस डेरिवेटिव्स को अनदर फेनॉल के कंपाउंड के साथ जब इसको ट्रीट करेंगे एक क्लीनर प्रोडक्ट मिलेगा, पॉलीमर मिलेगा जिसको नोवोलैक बोला जाता है. तो जो लीनियर पॉलीमर के जो चेन से नोवोलैक के उनके अंदर जब एक्सेस अमाउंट ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड को ऐड करेंगे तो एडिशनल फॉर्मेल्डिहाइड को जब ऐड करेंगे तो उससे क्रॉस लिंकिंग फॉर्म होगा दोनों चेन के बिटवीन, दोनों लीनियर प्रोडक्ट जो नोवोलैक बना है उन दोनों के बिटवीन क्रॉस लिंकिंग फॉर्म होगा, उससे एक इनफ्यूजिबल सॉलिड मास, इनफ्यूजिबल सॉलिड मास किसको बोल रहा हूं, बेकेलाइट को बोला जा रहा है. इनफ्यूजिबल का मतलब होता है जो इजीली मेल्ट नहीं होता, जो फ्यूज नहीं होता. तो इस तरह इनफ्यूजिबल सॉलिड मास पॉलीमर का बेकेलाइट का फॉर्मेशन होगा. तो दिस इज ऑल अबाउट थ्योरेटिकल, अभी देखते हैं रिएक्शन कैसे होता है. तो सबसे पहले हमें दो मोनोमर को लिखना है. पहला जो मोनोमर है वो कौन सा है, फेनॉल है, इसका नेम फेनॉल, आप जानते हो इसको अच्छी तरीके से. और दूसरा जो रहेगा वो क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड. दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड जिसको मिथेनॉल भी लिख सकते हैं. ओके,
इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस मैंने बोला इस एसिड को H+ और बेस को H- फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोनों का जब कंडेंसेशन होगा, जैसे मैंने बोला फेनॉल का जो OH ग्रुप है वो क्या होता है, ऑर्थो पैराडाइटिक ग्रुप होता है। एंड ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इस कार्बोनिल कंपाउंड का, वो जब रिएक्ट करता है फेनॉल के साथ वो आइदर ऑर्थो या पैरा ग्रुप को अटैच होता है। ऑर्थो पैरा ग्रुप के जो कार्बन है, ऑर्थो पैरा पोजीशन का जो कार्बन है उस कार्बन के साथ ही कार्बोनिल कार्बन जो रिएक्ट करता है, यानी कि बॉन्ड क्रिएट करता है। तो पहले सबसे पहले ऑर्थो वाला हम देखते हैं। तो ये वाला जो कार्बन है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप किस कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, इस ऑर्थो पोजीशन के कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इस कार्बन को अटैच होगा। जब ये कार्बन को जब अटैच होगा तो कैसे होगा, बाय ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड। ये वाला जो बॉन्ड है, ये कार्बन से जब बॉन्ड क्रिएट करेगा तो इस कार्बन के टोटल कितने बॉन्ड हो जाएंगे, चार बॉन्ड यहाँ पे इस कार्बन के साथ। ये वाला दूसरा, पहला ये वाला जो एक बॉन्ड क्रिएट होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा तो एक्स्ट्रा बॉन्ड हो जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड माइनस चार्ज के फॉर्म में ऑप्शन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड ऑप्शन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। एंड जब ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो एलिमिनेट हुआ है, वो एलिमिनेट होकर किसके पास आएगा, ऑक्सीजन के पास आएगा। तो क्या बनेगा, OH इधर C, इस C के साथ CH2 और O, यहाँ से जो हाइड्रोजन आएगा वो OH बन जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, ये आपका फेनॉल रहा, जब फॉर्मेलिडिहाइड इसके साथ रिएक्ट किया तो क्या हुआ, बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, हाइड्रोजन आके इसको अटैच हुआ, यानी कार्बन इसको अटैच हुआ। तो क्या बना ये CH2OH, CH2OH जिसको क्या बोला जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, इसका नेम ऑर्थो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल, मिथाइल फेनॉल also called as, जिसको another name है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल भी बोला जाता है इसको, बिकॉज इसमें OH ग्रुप है, फिर आप की जगह बेंजाइल अल्कोहल लिख सकते हैं। ओके, जैसे मैंने बोला कि इसके डेरिवेटिव्स मिलते हैं, वो अलग इधर भी रिएक्ट हो सकता है इस कार्बन के साथ, इधर भी रिएक्ट हो सकता है, इधर भी रिएक्ट, बिकॉज़ द ऑर्थो पोजीशन एक पैरा पोजीशन है। तो इसके डेरिवेटिव हमें मिलेगा, डेरिवेटिव जो मैं बता रहा था इसी की बात कर रहा था, ये सब डेरिवेटिव है फेनॉल के। पहले एक फॉर्मेलिडिहाइड ऑर्थो ग्रुप पे अटैच हुआ, फिर पैरा, फिर ऑर्थो, ऐसे डेरिवेटिव्स क्या मिलेंगे फेनॉल के हमें मिलेगा। तो CH2OH सिमिलरली यहां पे आएगा, CH2OH अनदर फॉर्मेलिडिहाइड इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो इसका नाम क्या होगा, ऑर्थो कॉमा पैरा डायहाइड्रोक्सी, डायहाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल, या और क्या होगा, ऑर्थो कॉमा पैरा डायहाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल होगा। सिमिलरली हमें और प्रोडक्ट मिल सकता है OH CH2OH, पैरा पोजीशन पे भी CH2OH and another ortho position पे भी CH2OH हमें मिलेगा। इस तरह फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, डेरिवेटिव्स मिले हमें किसके, फेनॉल के। ओके, अभी क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप में इसके जो डेरिवेटिव है उसमें पहले हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल, इससे n नंबर, ऐसे n नंबर ऑफ ये जो कंपाउंड है इससे हमें लीडर प्रोडक्ट मिलेगा, जिसमें बात कर रहा था नोवोलैक, जिसको पेंट्स में यूज किया जाता है। तो ये सेकंड स्टेप में क्या होगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल जो है n नंबर ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ बेस, हमें क्या मिलेगा, लीडर प्रोडक्ट पॉलीमर मिलेगा, नोवोलैक जिसको बोलेंगे। तो यहां पे मैं कुछ स्ट्रक्चर्स का रिपीटेड स्ट्रक्चर बना देता हूं और कैसे इससे नोवोलैक मिलेगा मैं आपको बता देता हूं। CH2OH similarly another main product लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसी का OH CH2OH, और एक product लिख रहा हूँ same OH CH2OH। तो इसमें क्या होगा, ये वाला जो OH group है और इस carbon का hydrogen जो atom रहेगा इस ortho position का, तो H और OH मिलके क्या बनाएगा, water molecule, water molecule निकल जाएगा। तो क्या होगा, इसके दोनों के बिटवीन CH2 ग्रुप के साथ बॉन्ड क्रिएट होगा। सिमिलरली यहाँ का OH, ये OH इस कार्बन का
इस कार्बन हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में वो एलिमिनेट होंगे और दोनों के बीच में क्या होगा बॉन्ड क्रिएट होगा। सिमिलरली यहां पर जो उसके बाद नेक्स्ट जो मोनोमर जब मोनोमर आएगा उसका मोनोमर का हाइड्रोजन है वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा कैसे स्ट्रक्चर रिपीट होते जाएगा। सिमिलरली यहां पे भी इस कार्बन का एच और प्रीवियस जो मोनोमर रहेगा उसका OH निकल जाएगा तो बचेगा CH2 ग्रुप ऐसे पूरा एक लीनियर प्रोडक्ट हमें मिलेगा जिसका नेम क्या होगा नोवोलैक। ये सेकंड स्टेप में लीनियर प्रोडक्ट मिला है नोवोलैक और इस नोवोलैक में जब एक्सेस अमाउंट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड को जब ऐड करेंगे CHO को ऐड करेंगे तो दो लीनियर चेन के बिटवीन क्रॉस लिंकिंग फॉर्म होगा बेकलाइट एक क्रॉस लिंक इनविजिबल सॉलिड मास ऑफ पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा। तो जैसे इसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड ऐड करेंगे तो क्रॉस लिंकिंग कैसे फॉर्म होगा उसके लिए पहले दो लीनियर चेन मैं क्या करता हूं बना देता हूं ओवरलैप का ये दो चेन में बना रहा ऊपर और नीचे बिकॉज़ क्रॉस लिंक पॉलीमर कैसे बनता है दो लीनियर पॉलीमर को भी क्रॉस लिंकिंग होता है ओके। तो इधर OH है इधर भी OH रहेगा इधर भी OH रहेगा जैसे ओवरलैप में है और CH2 ग्रुप से सारे जो क्लोज कंपाउंड है वो एक दूसरे को कनेक्टेड रहेंगे। सिमिलरली यहां पे भी होगा CH2 ग्रुप ये सब क्या फेनॉल्स हैं और इसका अपोजिट चेन यहां पे रहेगा तो मैं इसको रिवर्स में बना देता हूं OH नीचे हो जाएगा यहां पे ऊपर है तो नीचे हो जाएगा और CH2 भी उनके ऊपर है तो इधर नीचे आ जाएगा CH2 ग्रुप जिससे सारे फेनॉलिक ग्रुप अटैच होंगे। सिमिलरली यहां पे भी और यहां पे भी ओके। उसके बाद जब एक्सेस अमाउंट को फॉर्मल्डिहाइड ऐड करेंगे तो CH2OH ग्रुप मतलब फॉर्मल्डिहाइड यहां पे ऐड हो जाएगा जैसे हमने इधर देखा है फॉर्मल्डिहाइड जैसे CH2OH इधर ऐड हुआ सिमिलरली ये जो CH2OH है इसमें जब ऐड करेंगे नोवोलैक में तो यहां पे क्या होगा CH2OH CH2OH अटैच हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे भी CH2OH CH2OH जैसे आ जाएगा। उसके बाद ये वाला इस पोजीशन का हाइड्रोजन इस पोजीशन का हाइड्रोजन इस पोजीशन का हाइड्रोजन ये सारा हाइड्रोजन इस कार्बन को जो OH ग्रुप अटैच है उनके साथ रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएंगे तो ये OH और यहां का H H2O बनेगा वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया तो यहां का OH और यहां का H इस कार्बन का H दोनों मिलके वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे एलिमिनेट हो जाएगा वाटर यहां का OH और यहां का हाइड्रोजन ये भी वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में एलिमिनेट होगी। देखो दो लीनियर चेन जो है उनके बीच क्रॉस लिंकिंग फॉर्म हुआ है इस तरह ये क्या बना हमारा बेकलाइट पॉलीमर बना क्रॉस लिंक पॉलीमर इनफ्यूजिबल सॉलिड मास पॉलीमर बना जो इजीली मेल्ट नहीं होता है। तो इस तरह थर्ड स्टेप में दिस इज थर्ड स्टेप ये वाला जो स्टेप है थर्ड स्टेप है इससे हमें क्या मिला बेकलाइट जो पॉलीमर है उसका प्रिपरेशन मेथड कर दिया हमने ओके। अब इस पॉलीमर के प्रॉपर्टीज एंड यूजेस देखते हैं प्रिपरेशन मेथड हमने अभी जस्ट देखा और एक चीज इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन में एक चीज याद रखना जो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा था वो कैसे हो रहा था जैसे मैंने आपको बताया थ्री स्टेप में क्या हो रहा था रिएक्शन कंप्लीट हुआ। फर्स्ट स्टेप में जो फेनॉल है फेनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड जो है दोनों का जब कंडेंसेशन हुआ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस उससे फेनॉल के डेरिवेटिव्स हमें मिले फेनॉल के डेरिवेटिव्स हमें मिले जिसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल लॉस नहीं हुआ। फेनॉल के डेरिवेटिव्स हमें क्या मिला और जो हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल और जो पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल और जो पैरा और जो हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल ऐसे हमें डेरिवेटिव्स मिले। और सेकंड स्टेप में हमने क्या किया फेनॉल डेरिवेटिव्स को यूज करके नोवोलैक क्लीनियर पॉलीमर को प्रिपेयर किया फेनॉल के डेरिवेटिव्स को यूज करके और फेनॉल के डेरिवेटिव्स में हमने कौन सा यूज किया ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल ऐसे एन नंबर ऑफ फेनॉल के डेरिवेटिव्स यानी ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फेनॉल को जब यूज किया तो उसमें सब वाटर मॉलिक्यूल एलिमेंट हुआ एडजेसिंग मोनोमर यूनिट्स है तो कितना वाटर मॉलिक्यूल एलिमेंट होगा जितना यहां पे एन मोनोमर यूज करेंगे तो माइनस एन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एलिमेंट हुआ जिससे हमें क्या मिला नोवोलैक पॉलीमर मिला एंड नोवोलैक दो टू नोवोलैक लीनियर प्रोडक्ट जो हमें मिला लीनियर पॉलीमर जो मिला टू नोवोलैक चेन के बिटवीन क्रॉस लिंकिंग फॉर्म हुआ जिससे बेकलाइट ये पॉलीमर हमें मिला। और इसमें भी जब दो चेन को यूज करेंगे तो ऊपर वाले चेन में तो बनते समय n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एलिमेंट हुआ नीचे वाला चेन जब बनेगा उसमें भी n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एलिमेंट होगा और क्रॉस लिंकिंग जब बन रहा था उसमें से भी वाटर मॉलिक्यूल एलिमेंट हो रहा था तो कितने वाटर मॉलिक्यूल एलिमेंट होगा 2n minus 1 H2O इतना वाटर मॉलिक्यूल एलिमेंट होगा यानी ऑड नंबर ऊपर नीचे दो गए और बीच में एक थी तो अगर n का नंबर अगर मैं 2 लेता हूं तो 2 2 4 -1 तो कितना होगा 4 -1
थ्री वाटर मॉलिक्यूल, कैसे ऊपर वाले चेन से एक वाटर मॉलिक्यूल, नीचे वाले लोअर चेन से एक वाटर मॉलिक्यूल और क्रॉस लिंकिंग बनते समय एक वाटर मॉलिक्यूल, ऐसे 2N-1 वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, एलिमिनेट होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सिंपली। तो प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं, प्रॉपर्टीज क्या है कि एक इंपॉर्टेंट, जैसे पॉलीमर्स को वाइडली यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पॉलीमर। जैसे कि एक हार्ड पॉलीमर होता है लेकिन स्क्रैच इन वाटर रेजिस्टेंट होता है, स्क्रैच वगैरह या वाटर से उसका कोई लॉस नहीं होता है, इसलिए उसको वाइडली यूज करते हैं। एंड एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग एक पॉलीमर है, इसका कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, एक्सीलेंट इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटिंग कैरेक्टर, इसलिए मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इस पॉलीमर को यूज करते हैं उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बनाने के लिए। तो यूजेस में सबसे पहले वही रहेगा कि वाइडली यूज इन द मेकिंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, जो इलेक्ट्रिकल गुड्स है उनको बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल जो स्विचेस होते हैं, जो बोर्ड्स अपन यूज करते हैं घर में, वो सब बेकराइट से बने हुए होते हैं। एंड इन मेकिंग ऑफ फॉर्म्स, फॉर्म्स जो टफ होते हैं, हार्ड होते हैं, फॉर्म्स बनाने के लिए फोनोग्राफ रिकॉर्ड, दो अर्लियर जो रिकॉर्डिंग के लिए जो यूज करते थे डिवाइसेस के लिए, वो डिवाइस भी किससे बनाया जाता है, बेकराइट हार्ड मटेरियल से बनाया जाता है, जिसमें साउंड ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए यूज करते थे अर्लियर। एंड हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, बहुत सारे यूटेंसिल्स जो होते हैं उनके हैंडल्स बनाने के लिए इस पॉलीमर का यूज किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ बेकराइट एज फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, इट्स आल्सो कॉल्ड एज फेनोप्लास्ट एंड फेनोलिक रेसिन। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉलीमर है जिसका प्रिपरेशन मेथड हमें डिस्कस करना है, उसका नेम है मिलामाइन पॉलीमर, आल्सो कॉल्ड एज फॉर्मल्डिहाइड मिलामाइन पॉलीमर। इसमें यहाँ पे दो मोनोमर का नेम लिखा है, फॉर्मल्डिहाइड मिलामाइन, इस दो मोनोमर्स को यूज किया जाता है इस पॉलीमर के प्रिपरेशन के लिए। एंड इसमें वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है, तो सारे कैरेक्टर्स किससे मैच कर रहे हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर से, तो दिस इज आल्सो कंडेंसेशन पॉलीमर एंड आल्सो क्रॉस लिंक पॉलीमर, जिसमें मोनोमर जो चेन से उनके बिटवीन क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग फॉर्म होता है। एंड इस फॉर्म क्या बोलते हैं, मिलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन भी कहा जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसको प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हमें मोनोमर लेना होगा, मोनोमर में मिलामाइन मोनोमर पहले हम लोग ले लेते हैं। मिलामाइन का जो स्ट्रक्चर है, एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें हेटेरोएटम नाइट्रोजन भी होता है, तो ऐसे हम लोग 3 नाइट्रोजन लिख लेंगे और उसको साइक्लिक कंपाउंड में इसको कन्वर्ट करेंगे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, साइक्लिक कंपाउंड डबल बॉन्ड होता है, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और जहां जहां नाइट्रोजन नहीं दिख रहा है वहां पे भी नाइट्रोजन होगा इन द फॉर्म ऑफ NH2। तो यहाँ पे NH2 लिख लेने का, यहाँ पे भी NH2 आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट मिलामाइन। एक कौन सा मोनोमर है, इस कंपाउंड का नेम है मिलामाइन, प्लस इसमें क्या ऐड करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड, तो HC डबल बॉन्ड OH, ये फॉर्मल्डिहाइड रहा आपका। इससे क्या होगा कि इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा, कैसे मिलेगा, जैसे फेनॉल में हो रहा था और बेकेलाइट में हो रहा था, यहाँ पर जो H है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा जब कार्बन इसको नाइट्रोजन को अटैच होगा, तो क्या बनेगा, NH रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन चला जाएगा तो क्या आएगा, CH2, और जो H गया इधर तो OH बन जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे N लिख लेना, इधर भी N, या फिर जो शॉर्टकट यहाँ पे मैंने बताया सिमिलरली वैसे N एंड एंड इस तरह आपको कंपाउंड बनाना है, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, जैसे यहाँ पे इधर भी होगा और यहाँ पे क्या होगा, NH2 की जगह NH रहेगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, तो NH CH2 दो H और एक OH बन जाएगा, तो NH CH2 OH, बराबर। यहाँ पे NH2 है तो यहाँ पे NH2 लिख लेते हैं और यहाँ पे भी NH2 है, ओके। ऐसे n नंबर ऑफ ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ऐसे n नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड से आपको क्या मिलेगा, क्रॉसलिंक पॉलीमर कंडेंसेशन पॉलीमर मिलामाइन मिलेगा। तो n नंबर ऑफ हमें क्या करना है, इंटरमीडिएट कंपाउंड लेना है, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आएगा, NH CH2 OH आएगा, और यहाँ पे NH2, और सिमिलरली यहाँ पे भी NH2, ओके। इसका पॉलीमराइजेशन होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ मोनोमर्स हमने देखा है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होगा जिसमें वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, कैसे होगा,
ये OH जो ग्रुप है अनदर मोनोमर जब इधर आएगा तो उसका जो H जो रहेगा वो H और OH दोनों वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। और सिमिलरली जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूँ NH2 इधर भी स्कोप है, यहाँ पे भी फॉर्मली एडोनिक का स्कोप है, H निकल जाएगा तो NH CH2 और OH यहाँ पे भी आएगा। सिमिलरली NH CH2 OH इधर भी आएगा। तो एक्चुअली जो पॉलीमर हमें मिलेगा वो किस तरह का होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये हमारा मोनोमर यूनिट, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, NH CH2 ही रहेगा, ये OH है और अनदर जो मोनोमर यहाँ पे आएगा उसका H के साथ वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में क्या होगा, एलिमिनेट होगा। और इधर भी क्या आएगा, यहाँ पे बता देता हूँ कैसे होगा, ये NH की जगह CH2 और OH भी आएगा बराबर। तो ये इधर भी क्या होगा, CH2OH निकल जाएगा, हाइड्रोजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ऐसे सारे जहां जहां ग्रुप रहेगा NH2 वहां पे सब जगह होगा। तो आगे चेन बढ़ेगा, OH निकल गया वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में, इधर भी NH CH2 और आगे चेन बढ़ेगा, यहाँ का OH भी जो है CH2OH होना चाहिए, वहां पर OH और H वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे NH और CH2 ही रहेगा, जो OH है वो भी वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या बना, मेलामाइन पॉलीमर, आल्सो कॉल्ड एज मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। अब इसके प्रॉपर्टीज क्या है, एक हार्ड और टफ एंड ड्यूरेबल पॉलीमर है जिसको यूज करते हैं अनब्रेकेबल प्रॉपर्टीज बनाने के लिए, जो प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करते हैं किचन में वगैरह, अनब्रेकेबल प्रॉपर्टीज बनाने के लिए इस पॉलीमर को यूज किया जाता है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग होता है, टफ होता है एंड ड्यूरेबल होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज, यूजेस एंड प्रिपरेशन ऑफ मेलामाइन पॉलीमर। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉलीमर का प्रिपरेशन हमें जो देखना है वो कौन सा है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। इस यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर को और क्या बोलते हैं, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, व्हिच इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर। ये कौन सा पॉलीमर का टाइप है, कंडेंसेशन पॉलीमर है, जो टू काइंड ऑफ मोनोमर यूनिट से फॉर्म होता है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, व्हिच यूरिया एंड अदर इज फॉर्मल्डिहाइड। एंड यू नो कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है, कुछ कंपाउंड्स का लॉस होता है, एलिमिनेशन होता है। इस पॉलीमर के प्रिपरेशन में वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है जिससे पॉलीमर हमें मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर का प्रिपरेशन। और याद रखना ये वाला जो पॉलीमर है इसका जो प्रिपरेशन मेथड है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, जैसे हमने बेकर एक्ट में किया था, 3 स्टेप्स में रिएक्शन को कंप्लीट किया था। सिमिलरली यहाँ पे जब यूरिया फॉर्मल्डिहाइड जब दोनों मोनोमर यूनिट को जब कंडेंस किया जाता है तो उस समय फर्स्ट स्टेप में मोनो मिथाइल यूरिया मिलेगा, दैट इज यूरिया के डेरिवेटिव। जैसे हमने बेकर एक्ट के प्रिपरेशन में फेनॉल में जब फॉर्मल्डिहाइड ऐड किया था तो फेनॉल के डेरिवेटिव मिले, यहाँ पे यूरिया में हम किसको ऐड कर रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड को ऐड कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या होगा, यूरिया का हमें डेरिवेटिव मिलेगा, मोनोमिथाइल यूरिया, डाइमिथाइल यूरिया। आफ्टर दैट डाइमिथाइल यूरिया का जब कंडेंसेशन होगा उसमें सब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने से हमें पॉलीमर मिल जाएगा, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मल्डिहाइड यूरिया का स्ट्रक्चर बनाना है। दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, इसको आप जानते होंगे, पहचानते होंगे अच्छी तरीके से, ये फॉर्मल्डिहाइड है। इसमें क्या होता है, यूरिया को ऐड किया जाता है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बाय स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में कार्बोनिल ग्रुप यूरिया में भी होता है और हाइड्रोजन की जगह क्या होता है, NH2 ग्रुप होता है, अमाइन ग्रुप होता है दोनों साइड। दिस इज यूरिया, दोनों को जब ट्रीट किया जाता है, जब दोनों को मिक्स किया जाता है तो क्या होता है, ये इस फॉर्मेटेड का जो कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है, ये कार्बन इस NH को अटैच होता है, NH2 ग्रुप जो है यानी नाइट्रोजन को अटैच होता है बाय एलिमिनेशन ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। इस NH2 में से क्या होता है, एक हाइड्रोजन एटम लॉस होता है, जब लॉस होगा वो ऑक्सीजन के पास आता है तो OH बन जाता है, बिकॉज जब कार्बन इस NH के साथ नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड क्रिएट किया तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ रहेगा, तो बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन से और यहाँ से हाइड्रोजन आ गया, OH बन जाएगा। फिर से सुनना, ये वाला जो कार्बन है, कार्बोनिल ग्रुप जो फॉर्मल्डिहाइड का, वो कार्बन इस NH2 को अटैच होगा व्हेन वन हाइड्रोजन एटम इज एलिमिनेटेड, एंड वो हाइड्रोजन किसके पास आएगा, OH के पास आएगा, OH बन जाएगा और ये डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज कार्बन इसको अटैच है, पहले से चार ही होना चाहिए ना, अगर डबल बॉन्ड में कार्बन अटैच है तो पांच बॉन्ड हो जाएगा कार्बन का, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्या बन जाएगा, इधर H आ गया तो OH बन गया, तो मैं OH पहले लिख देता हूँ, आगे ये CH2 ग्रुप है इस OH को, तो CH2 लिख दिया, आगे क्या है, ये CH2 जो ये वाला कार्बन इस NH
को अटैच हुआ है बाय एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो यहां पे NH बचेगा, NH2 नहीं होगा बिकॉज एक हाइड्रोजन एटम यहां पे आ गया है और इस NH को C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप है और आगे NH2, ये क्या है मोनोमिथाइलोल यूरिया, मोनोमिथाइलोल यूरिया। इसमें 21 कार्बन है और OH ग्रुप पे एक है इसलिए मोनोमिथाइलोल यूरिया, OH फॉर अल्कोहल, OH ग्रुप। ओके, इसमें जब फिर से फॉर्मेलडिहाइड जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा डाइमिथाइलोल यूरिया मिलेगा। जब एक फॉर्मेलडिहाइड ऐड किया था तो वो एक फॉर्मेलडिहाइड इस NH को CH2OH के फॉर्म में NH हुआ, जब अनदर फॉर्मेलडिहाइड ऐड करेंगे तो यहां का H जाएगा, NH बचेगा और इसको CH2OH अटैच हो जाएगा, CH2 बन जाएगा, हाइड्रोजन रह जाएगा तो OH बन जाएगा, तो सेम स्ट्रक्चर जैसे यहां पे चेंज हो जाएगा OH CH2 उसको NH है, CH2 को NH है, उसके बाद ये डबल बॉन्ड O आगे NH और आ जाएगा ये CH2, ये वाला CH2 और इधर OH आ जाएगा, तो CH2OH, ये क्या बना डाइमिथाइलोल यूरिया बना यूरिया। अब इस डाइमिथाइलोल यूरिया एज अ मोनोमर लेके n नंबर ऑफ मोनोमर डाइमिथाइलोल यूरिया पे उसे क्या होगा कंडेंसेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और यूरिया फॉर्मेटेड पॉलीमर हमें मिल जाएगा। मैं यहां पे n लिखता हूं और इस जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है इस पॉलीमर के स्ट्रक्चर को इजीली एक्सप्लेन करने के लिए मैं उसको वर्टिकल बना देता हूं ताकि वो क्रॉस लिंक आपको दिखाई दे और कैसे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है वो भी इजीली आपको समझ में आएगा। सिंपली मैं क्या कर रहा हूं ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर को वर्टिकल बना रहा हूं, जो इसको वर्टिकल बनाऊंगा तो बीच में तो सी डबल बॉन्ड है तो सी डबल बॉन्ड ऐसे आएगा और ऊपर ये वाला स्ट्रक्चर इधर आएगा और ये पूरा स्ट्रक्चर नीचे जाएगा। देखो कैसे होगा, सी डबल बॉन्ड इसको मैं बना दिया और ऊपर क्या है सी डबल बॉन्ड के पहले इस साइड देखो लेफ्ट साइड क्या है वहां पे लिखना NH है और उसको CH2OH NH है और CH2OH है उसको। सिमिलरली यहां का ये वाला जो पूरा ग्रुप NH N H और N को ही CH2OH है, इसमें से क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। कैसे अभी इस वाटर मॉलिक्यूल कैसे एलिमिनेट होगा उसको बताने के लिए मैं ये वाले जो मोनोमर है ये तीन बना देता हूं, थ्री स्ट्रक्चर बना देता हूं, C डबल बॉन्ड O एंड H CH2OH नीचे एंड H CH2OH इधर भी होगा प्लस और एक मोनोमर C डबल बॉन्ड O एंड ऊपर H इसको CH2OH फिर से अंदर मॉलिक्यूल नीचे भी आएगा एंड H CH2OH ये दोनों मॉलिक्यूल हो गए। तीसरा मॉलिक्यूल लेते हैं C डबल बॉन्ड O ऊपर एंड H CH2OH और नीचे भी ये H है एंड H CH2OH। अब ये वाटर मॉलिक्यूल इसमें से कैसे एलिमिनेट होगा, ये जो OH ग्रुप आपको नजर आ रहा है और ये आपका हाइड्रोजन कंबाइन होगा वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, तो क्या होगा ये CH2 ग्रुप यानी जो कार्बन इस हाइड्रोजन को अटैच होगा, इधर भी स्कोप है यानी चांस है वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा OH और H। सिमिलरली नीचे भी होगा OH और H वाटर मॉलिक्यूल, यहां का OH H वाटर मॉलिक्यूल और यहां का भी OH जाएगा इस H के साथ, H किसका होगा अनदर जो मोनोमर इधर आएगा उसका H, इधर भी वही होगा OH और H निकल जाएगा। अब बोलेंगे सर इधर भी तो हो सकता है ना, हां जरूर हो सकता है, ये वाला H और प्रीवियस मोनोमर का OH वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, ये वाला H और प्रीवियस मोनोमर का OH वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिलीज होगा और जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा वो कैसे मिलेगा, ये नाइट्रोजन है उसका H2 निकल गया तो यहां पे चेन बढ़ सकता है मोनोमर से CH2 है CH2 ये वाला तो निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में, यहां पे आएगा N फिर CH2 उसको फिर वाटर मॉलिक्यूल निकल गया आएगा N फिर CH2 और आगे और OH निकल गया और इस नाइट्रोजन को C डबल बॉन्ड O नीचे N और H तो निकल गया चेन आगे बढ़ेगा CH2 फिर ये वाला वाटर मॉलिक्यूल निकल गया N बचा है, अभी इस N के बिगनिंग क्या है C डबल बॉन्ड O है ये वाला और आगे CH2 ये OH निकल गया H2O निकल गया और फिर से N आ जाएगा इसको और दोनों के बिटवीन सी डबल बॉन्ड O है और आगे CH2, तो दिस इज आवर पॉलीमर दैट इज यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर।
इसके यूजेस अगर मैं बताना चाहूँ तो पहले प्रॉपर्टीज में बताऊंगा। ये गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल में इसको यूज किया जाता है एंड एज अ मोल्डेड प्लास्टिक इसको यूज किया जाता है। इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, रिजिडिटी ज्यादा होता है एंड एक जैसे मैंने बोला गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, तो एज अ गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल इसको यूज किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन मेथड, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो यहाँ पे अपना कुछ इंपॉर्टेंट दैट सम इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स का प्रिपरेशन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन रबर के बारे में पढ़ेंगे और सिंथेटिक रबर्स का प्रिपरेशन भी करेंगे। तब तक के लिए बाय।